डेली रात को इंटरनेट चलाने के बाद आप सोने जाते हो और पूरी रात सो के फिर सुबह उठते हो, पर इस सोने के दौरान सोने समय ऐसी कई चीज़ें आपके साथ होती हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एकदम पूरा देखना, क्योंकि ये बातें आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं और लास्ट में आप चौंक जाओगे। फैक्ट नंबर 6, पैरालाइज होना। आपने कभी पैरालाइज्ड लोगों को देखा है? वो अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाते। आप नॉर्मल हो तब भी आप सोते हो ना, तब आप उतनी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हो। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज है और ये सब के साथ होती है। पर आप अपने आप में महसूस नहीं कर पाते हो कि आप पैरालाइज्ड हो गए, क्योंकि आप गहरी नींद में होते हो। फैक्ट नंबर 5, आँखों की अजीब हलचल। आपको सामान्य तौर पर लगता होगा कि जब आप सोते हो तब आपका आँख एकदम एक ही जगह पर होता है, पर ये बात गलत है। विज्ञान के कई अनुसंधानों में ये पाया गया है कि जब आप सोते हो तब आपकी आँख बड़ी अजीब तरीके से बिहेव करती है। जब आप सोते हो तब आपकी आँख हमेशा हिलती रहती है। ये है वो ग्राफ जिसमें आप अपनी आँखों की मूवमेंट यानी कि हलचल को देख सकते हो। ये सबके साथ होता है, चाहे आप हो या आपके मम्मी पापा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आँख एक जगह पे होता है, फिर हिलता है, फिर एक जगह होता है और फिर हिलता है। ये बहुत अजीब बात है ना, क्योंकि आपको तो पता भी नहीं चलता है कि आपका आँख इतना हिलता रहता है, क्योंकि आप उस टाइम गहरी नींद में होते हो। फैक्ट नंबर 4, आपके फायदे की केमिकल HGH। आपकी हाइट कितनी होगी और आप कैसे दिखोगे, ये आपके HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर निर्भर करता है। ये आपके शरीर के सबसे जरूरी केमिकल्स में से एक है, जो ऐसे भी दिन के समय आपके शरीर में निकलती है, पर ये सबसे ज्यादा तब निकलती है जब आप सोते हो। साइंटिस्ट को ये पता चला कि ये रात को सोने के समय ज्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि सोने समय आपके शरीर के ज्यादातर अंग पूरी तरीके से रिलैक्स होती है, पूरी तरीके से आराम में होती है। फैक्ट नंबर 3, बार बार आने वाले सपने। सोने समय जो आपके सपने में आते हैं उसमें से सबसे अजीब चीज जो है वो है रेकरिंग ड्रीम्स। रेकरिंग ड्रीम्स उन सपनों को कहते हैं जो आपको बार बार आती है। ऐसा आपके साथ एक न एक बार जरूर हुआ होगा कि जिस चीज को आप अपने सपने में देख चुके हो वो दूसरे दिन आपके सपने में फिर से आ जाता है, और सिर्फ दूसरे दिन ही नहीं बल्कि वो आपको महीनों बाद फिर से अचानक दिख जाती है। इसका उत्तर है आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स। आपके जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, तो इस बात को, इस फैक्ट को आप जान लो कि जो समस्या आपको होती है उनको हटा के आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश आपका दिमाग भी करता है, और उसे पता होता है कि आपकी जिंदगी में आपको कोई काम करने की जरूरत है जिससे आपकी जिंदगी की समस्या सॉल्व हो जाए। और इसी चीज को आपको बार बार याद दिलाने के लिए आपको दिमाग आपके एक सपने को ही बार बार दिखाता है। वो असल में एक कोड होता है, मतलब आपकी समस्या जैसी है वैसा ही सपना वो आपको सोने समय दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही डिट्टो उस समस्या को वो आपको सपनों में नहीं दिखाएगा, पर मिलती जुलती हिंट देगा, एक संकेत देगा। जैसे मान लो एक जंग लगे हुए लोहे से आपका पैर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कट गया खेलते खेलते। आपको पता है कि जंग लगे हुए लोहे से कटने के चलते अगर खून निकली तो आपको टिटनस के इंजेक्शन यानी कि सुई लेनी ही पड़ती है, नहीं तो 90% चांसेस होती है कि आपको टिटनस की बीमारी हो जाएगी। पर हुआ यूं कि आप खेल रहे थे और आपके पैर में कटी थी, पर आप भूल गए क्योंकि आप फिर से खेलने में बिजी हो गए, और कटी हुई बहुत थोड़ी सी थी जिससे आपका खून थोड़ा सा निकला, पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया। और पहले भी आप टिटनस ले चुके हो तो इस परिस्थिति में आपका अवचेतन दिमाग जानता है कि आपको टिटनस की जरूरत फिर से है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो लग जाए। और यही सब परिस्थिति में आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको इंजेक्शन लग रही है, या फिर आपको कोई बीमारी हो गई है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ और। तो ये आपको दिमाग आपसे कुछ कराने के लिए एक ही चीज़ बार बार सपने में दिखाता है, और इसलिए आपको रेकरिंग ड्रीम्स होते हैं। फैक्ट नंबर 2,
हाइट बढ़ना। आज आपको बहुत मस्त फैक्ट पता चलने वाली है जो आपके शरीर के लंबाई से रिलेटेड है। जब आप सोने जाते हो तब आप इंच टेप की मदद से अपनी लंबाई को मापना, ओके। उसके बाद जब आप सुबह उठोगे तो फिर से नापना। सुबह में आप ये नोटिस करोगे कि आपकी हाइट बढ़ चुकी है, पर वो उतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ आधा इंच का फर्क आता है। जब आप सोते हो तब आपकी रीढ़ की हड्डी पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आपकी रीढ़ की हड्डी वापस से थोड़ी जगह लेकर बड़ी हो जाती है, वो भी रिलैक्स करती है। फिर आप जब सुबह उठते हो तब वापस गुरुत्वाकर्षण बल आपकी रीढ़ की हड्डी को वापस दबा देता है, और इसलिए उठने के 5-6 घंटे के अंदर आपकी हाइट फिर से कम हो जाती है, और ये चीज रोज रोज आपके साथ होती है। फैक्ट नंबर 1, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। सोने समय जो सबसे मजेदार चीज जो आपके साथ हो सकती है उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये कोई डरावनी चीज नहीं है। आप सोचिए कि आप सोए हो और अचानक आप अपने शरीर से निकलकर बाहर आकर खुद को देख रहे हैं, तो यही आप भी कर सकते हो, और वो कैसे? मेडिटेशन की शक्ति से। आपको लगता होगा कि वह कितनी मस्त चीज है, पर डरावनी भी है। पर दोस्त, जो लोग ध्यान करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और दुनिया के लाखों लोगों ने इसे किया है। कई महीनों के मेडिटेशन के बाद ये आप भी कर पाओगे। गाइज, क्या आपको सपने आते हैं और किस तरह के सपने आते हैं, नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और ऐसी रोचक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को जरूर क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगले वीडियो में।